अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे। टाइम से आके बिना चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी जनाब, आज बन रही है भुनी हुई कलेजी। उसके लिए हमको सबसे पहले फ्लेम ऑन करना है और पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें एक चौथाई कप तेल डाल देंगे और वेट करेंगे। तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब आधा किलो कलेजी हम इस तेल में डाल देंगे और अब इसको हम भूनेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे, इसका पानी खुश्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले आप इसको अच्छी तरह से होने दीजिए फ्राई। उसके बाद ये देखिए फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून, एक खाने का चम्मच बोल लीजिए आप अदरक लहसुन। फिर हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे कि अदरक लहसुन भी भून जाए हमारा और जो कलेजी है वो भी अच्छे से हो जाए, उसका पानी भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए ये डन हो गई है। इसके बाद हमने ये जो कलेजी मसाला बना के रखा हुआ था ये डालेंगे डेढ़ खाने का चम्मच। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून ये डालेंगे। इसके बाद जो स्पाइसेस और हैं हमारे, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये तीनों चीज़ें आधा आधा चाय का चम्मच। ठीक है, ये डाल देंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम फौरन ही इसमें डाल देंगे दही, इसलिए कि हमारा मसाला ना जले। इस वजह से, क्योंकि खुश्क मसाले अगर हम डालते हैं तो फौरन मसाला जलने का डर रहता है। अब इसमें हम दही डाल देंगे एक चौथाई कप, 1.5 कप दही डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। बस अब मिक्स करने के बाद इसमें जब उबाल आ जाएगा तो हम ढक्कन ढक के रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ठीक है जी, तो बस अब हम ढक्कन ढक रहे हैं, 5 मिनट बाद खोलेंगे। जी जनाब, तो ढक्कन हटा लिया है। इतनी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है, प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है। शक्ल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब हरा धनिया, अदरक और लीमू डालेंगे। ठीक है, तो हम इसमें हरा धनिया डाल लेते हैं और आधा लीमू, रस वाला लीमू आधा, मतलब एक टेबल स्पून रस। ठीक है, लीमू का, और लीमू डाल दिया हमने। अब इसमें अदरक डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख देंगे। बस फ्लेम इसका बिल्कुल हल्की आंच पे कर देंगे, दम वाली आंच हो गई और इस पर हम ढक्कन ढक के रख देंगे। अब 5 मिनट बाद देखते हैं कि क्या शक्ल आई है इसकी। और हम डालेंगे एक टेबल स्पून कसूरी मेथी, ये तो हम भूल ही गए थे। कसूरी मेथी डालेंगे और इसको ढक देंगे इसका ढक्कन। ठीक है, तो 5 मिनट बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट है इसका। जी जनाब, तो इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही है इसमें सब चीज़ों की और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी इसकी जो शक्ल निकल कर आई है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। मेरे तरीके से ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। कलेजी में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि मैं कलेजी खाती ही नहीं थी, लेकिन मैं इस तरह से जब बनाती हूँ तो थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। और बच्चे भी पसंद करेंगे क्योंकि स्मेल नहीं आती है तो बच्चे भी नहीं खाते हैं। मेरे तरीके से इसका मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। ईद करीब आ गई है तो इस तरह से बना के ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से बनी है और टेस्ट कैसा था। लाइक करें, शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आगे वीडियो जितनी भी हैं, जो भी हैं, जल्द से जल्द आ सकें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।